देखो जो लैपटॉप हमें 30,000 के बजट के अंदर पहले मिलते थे ना, उनका प्राइस काफी कम हो चुका है। एंड कुछ लैपटॉप तो ऐसे हैं जो कि लॉन्च हुए थे 40,000 के प्राइस पे, एंड आज उनका प्राइस कम होकर 30,000 रुपए हो चुका है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे बढ़िया ब्रांडेड लैपटॉप्स के बारे में बताऊंगा जिनका प्राइस 30,000 रुपए के आसपास है। लेकिन 30,000 के अंदर लैपटॉप बाय करने से पहले आपने कुछ चीजों का ख्याल जरूर रखना है कि उसका जो प्रोसेसर है ना वो पुरानी जनरेशन वाला नहीं होना चाहिए, और जो उसकी डिस्प्ले है कम से कम फुल एचडी डिस्प्ले होनी चाहिए। एचडी डिस्प्ले बिल्कुल बाय नहीं करनी। अगर हमें एमएस ऑफिस मिल रहा है फिर और भी बढ़िया चीज है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं लिनोवो के आइडियापैड स्लिम 3 लैपटॉप से। वन ऑफ द लेटेस्ट प्रोसेसर वाला लैपटॉप है जो कि हमें 30,000 के बजट के अंदर मिल जाएगा। इसका प्राइस देखो 31,000 रुपीज है, बट इसके अंदर हमें राइजन का लेटेस्ट 7000 सीरीज का प्रोसेसर दिया गया। जैसे ये चीज होती है कि आप इसे बिल्कुल बेसिक काम करने के लिए भी यूज कर सकते हो, स्कूल एंड कॉलेज के सारे काम हो जाएंगे, डेली रूटीन वाले काम हो जाते हैं। अगर आपने पीपीटीज बनानी है या फिर आपने मीटिंग्स तैयार करनी है अपनी, सब कुछ इसके ऊपर हो जाएगा। लैपटॉप के अंदर हमें मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है, प्राइवेसी शटर कैमरा एंड 3 महीने की सब्सक्रिप्शन के साथ में गेमिंग पास मिल जाएगा। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये होता है कि लैपटॉप की जो बिल्ड क्वालिटी है दैट इज सर्टिफाइड। काफी ज्यादा टेस्ट होने के बाद ये सर्टिफिकेशन मिलती है जो कि ऑलरेडी इसके ऊपर हो चुकी है। राइजन 370 320U प्रोसेसर दिया गया 7000 सीरीज का, 4 कोर 8 थ्रेड्स वाला। देखो ये जो प्रोसेसर है ना इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। एंड आफ्टर दैट जो इसके अंदर हमें रैम एंड स्टोरेज दे रखी है ना वो दोनों चीजें एकदम लेटेस्ट मिल जाती है। 8GB की रैम है, DDR5 रैम है 5500 MHz वाली, एंड उसी के साथ ही 512GB की Gen 4 SSD है विच इज एक्सपेंडेबल। 15.6 इंच की 300 nits की ब्राइटनेस के साथ हमें डिस्प्ले मिल जाती है फुल HD। AMD के रेडियन 610M ग्राफिक्स दे रखे हैं इसके अंदर। MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया। ये लैपटॉप अपना रैपिड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, सिर्फ 15 मिनट चार्ज करने पे 2 घंटे तक का रन टाइम मिल जाएगा। 2 USB टाइप ए, 1 USB टाइप सी HDMI एंड साथ में 3.5mm जैक, ये सारी इसके अंदर हमें पोर्ट्स मिल जाती है। तो लैपटॉप काफी अच्छा है, लेटेस्ट है, आप इसे जरूर कंसिडर करो। अगला लैपटॉप आ गया HP का 14S लैपटॉप। देखो इसके अंदर हमें 16GB तक की रैम को एक्सपेंड करने का ऑप्शन दिया गया है, एंड ये लैपटॉप अपना स्टूडेंट्स, स्कूल, कॉलेज, डिजाइनिंग, कोडिंग, ऑफिस वर्क इन सभी कामों के लिए सबसे बढ़िया रहेगा। एंड उसी के साथ ही लैपटॉप के अंदर हमें MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया। 33,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है, डिस्काउंट के अंदर बाय करोगे फिर ये 32,000 के आसपास हमें इजिली मिल जाएगा। बिल्ट इन अलेक्सा की सपोर्ट मिल जाती है, ऑपरेट विद आवर वॉइस कमांड। i3 का 1115G4 प्रोसेसर दिया गया, 11th जनरेशन का, 2 कोर 4 थ्रेड्स वाला। बेंचमार्क स्कोर्स आपके सामने है। लैपटॉप के अंदर हमें रैम एंड स्टोरेज दोनों चीजें एक्सपेंडेबल मिल जाती है, यानी कि अपना लैपटॉप टोटली फ्यूचर प्रूफ बन गया। 8GB की रैम है, DDR4 रैम है 3200 MHz वाली, एक्सपेंडेबल इसकी रैम 16GB तक। 256GB की SSD है विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। अब इसके अंदर हमें 14 इंचेस की डिस्प्ले दे रखी है, फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, 250 nits की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC के साथ में। वही स्टैंडर्ड डिस्प्ले जो कि इस बजट के हमें हर एक लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया, तो ये भी काफी बड़ा प्लस पॉइंट है इस लैपटॉप को बाय करने का। इंटेल के USD ग्राफिक्स के साथ ही 4 से 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप दिया गया। फ्रॉम 0 to 50% इसकी जो बैटरी है वो 45 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाती है। एंड इसके अंदर भी हमें 2 USB टाइप ए, 1 USB टाइप सी, HDMI एंड साथ में 3.5mm जैक दिया गया। अच्छा लैपटॉप है, बढ़िया लैपटॉप है, आप इसे जरूर कंसिडर करो। सेम बजट के अंदर आपको डेल का लैपटॉप भी मिल जाएगा, सेम प्रोसेसर, सेम रैम एंड स्टोरेज दे रखी है। दोनों ही लैपटॉप के अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्रांड का फर्क है, HP एंड डेल। आप इन दोनों में से किसी भी लैपटॉप को चूज कर सकते हो। अगला लैपटॉप भी HP का ही है, HP 15S लैपटॉप। ये लैपटॉप इस बजट का वन ऑफ दी हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है। प्राइस है 33,000 रुपीज, एंड इसके अंदर हमें बैकलिट कीबोर्ड भी मिल जाता है। राइजन 3 प्रोसेसर है, 5300U 5000 सीरीज का, 4 कोर 8 थ्रेड्स वाला। देखो इससे पहले जो हमने राइजन का 7000 सीरीज वाला 7320U प्रोसेसर देखा ना, ये प्रोसेसर उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा बढ़िया है। चाहे हमें 5000 सीरीज का प्रोसेसर मिल रहा है, बट स्कोर्स आपके सामने, परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर ज्यादा बढ़िया मिल जाती है। 8GB की रैम एक्सपेंडेबल 16GB तक, 512GB की Gen 3 SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 इंच की फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 250 nits की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC। AMD की रेडियन ग्राफिक्स के साथ ही MS ऑफिस 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया। 4 से 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। चार्जिंग की बात करें तो फ्रॉम 0 to 50% इसकी जो बैटरी है वो 45 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाती है। लैपटॉप के अंदर हमें टाइप सी केबल दे रखी है, थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिल जाती है, 2 USB टाइप ए, HDMI एंड साथ में 3.5mm जैक। ओवरऑल काफी बढ़िया लैपटॉप है, अच्छा प्रोसेसर है, डिस्प्ले भी काफी बड़ी है, MS ऑफिस भी हमें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया है। तो ये लैपटॉप भी आपने जरूर कंसिडर करना है, हाईली रिकमेंडेड आप सभी के लिए। अगला लैपटॉप है टेक्नो का टेक्नो मेगाबुक T1। अब देखो ये लैपटॉप आ करने से पहले ना आपने एक चीज का जरूर ध्यान रखना है, स्पेसिफिकेशन हमें इसके अंदर कमाल के मिल जाती है, बट स्पेसिफिकेशन के साथ ही आपने एक और चीज देखनी है, सर्विस सेंटर। अगर आपके आसपास इसका सर्विस सेंटर है फिर तो आप इसे बिल्कुल बिंदास होकर बाय कर सकते हो। अगर आसपास सर्विस सेंटर नहीं है फिर इसकी आफ्टर सेल सर्विस के अंदर आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, बट इसके अगर आप स्पेसिफिकेशन देखोगे ना आप बिल्कुल इसे छोड़ ही नहीं पाओगे। 30,000 रुपए करंट प्राइस है, एंड 30,000 के बजट के अंदर भी ना आपको मेटल की बॉडी मिल रही है। उसके बाद इसके एडिशनल फीचर्स को चेक करें तो 180 डिग्री की हिंज मिल जाती है, फिंगरप्रिंट सेंसर, प्राइवेसी शटर कैमरा एंड बैकलिट कीबोर्ड। ये सारे फीचर्स ना आपको किसी भी 40 से 50,000 वाले लैपटॉप के अंदर मिलते हैं जो कि हमें इसी बजट के अंदर मिल जाएगा। एंड प्रोसेसर को चेक करें तो i5 का 11th जनरेशन प्रोसेसर है। अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी प्रोसेसर देखे ना उन सब के कंपैरिजन में ये प्रोसेसर सबसे तगड़ा है।
डाटा एंड 16 GB की रैम मिल रही है एंड वो भी 40-66 MHz वाली। एक तो 16 GB की रैम एंड ऊपर से इसके मेगाहर्ट्ज भी ज्यादा है, 512 GB की SSD विच इज एक्सपेंडेबल, रैम इसकी एक्सपेंडेबल नहीं है। 15.6 inches की फुल एचडी IPS पैनल के साथ हमें डिस्प्ले मिल जाती है 100% sRGB के साथ। 60 Hz का रिफ्रेश रेट है, 350 nits की ब्राइटनेस, तो इसकी जो डिस्प्ले है ना 100% sRGB के साथ आपके जो कलर्स आएंगे डिस्प्ले के ऊपर वो बहुत ही पंची एंड ब्राइट दिख जाते हैं। इंटेल के RX ग्राफिक्स 70 Wh की बैटरी के साथ ही 65 Wh का टाइप सी अडैप्टर मिल जाएगा हमें। 6-7 घंटे तक का बैटरी बैकअप है। पोर्ट्स इसके अंदर हमें सारी मिल जाती है, 2 USB Type-C, 3 USB Type-A, HDMI एंड साथ में 3.5mm जैक, ये सारी हमें इसके अंदर पोर्ट्स मिल जाती है। बढ़िया लैपटॉप है, आप इसे जरूर कंसीडर करो, हाईली रिकमेंडेड आपके लिए स्पेसिफिकेशन के मामले में। सर्विस सेंटर अगर आपके आसपास है, छोड़ने वाली डील बिल्कुल नहीं है वाली। एंड जो मेरे अकॉर्डिंग इस पैड का सबसे बेहतरीन लैपटॉप रहेगा आपके लिए वो है लिनोवो का आइडियापैड स्लिम 3 लैपटॉप, सबसे बेस्ट लैपटॉप है। अराउंड 33,000 rupees इसका करंट प्राइस है एंड इसके अंदर हमें सारे एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं। प्राइवेसी शटर कैमरा से लेके 170 डिग्री की हिंज, रैपिड फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट, बिल्ट इन अलेक्सा टू ऑपरेट विद आवर वॉइस कमांड, 3 महीने की सब्सक्रिप्शन के साथ में गेमिंग पास, ये सारे फीचर्स के साथ ही इसका जो प्रोसेसर है ना वो टेक्नो वाले लैपटॉप के कंपैरिजन में भी ज्यादा बढ़िया है। i3 का 12th जनरेशन प्रोसेसर है, 12-15U सभी के साथ कंपैरिजन आपके सामने, इसकी जो परफॉर्मेंस है ना दैट इज टोटली अनबीटेबल एट इट्स प्राइस। 8 GB की रैम है एक्सपेंडेबल, 16 GB तक, 256 GB की जेन 4 SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। देखो जेन 4 SSD लेटेस्ट है, जेन 3 के कंपैरिजन में इसकी जो रीड एंड राइट की स्पीड है ना उसके अंदर बहुत ही मेजर डिफरेंस है, तो अपना जो परफॉर्मेंस के मामले में ना हमें काफी ओवरऑल एज मिल जाता है जेन 4 SSD होने की वजह से। 15.6 inches की फुल एचडी TN NT डिस्प्ले, 250 nits की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC एंड इसके अंदर हमें 60 Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया। इंटेल के USD ग्राफिक्स MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया। 65 W का अडैप्टर मिल जाएगा, 45 Wh की बैटरी, अराउंड 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, 2 USB Type-A, 1 USB Type-C, HDMI एंड साथ में 3.5mm जैक, ये सारी हमें इसके अंदर पोर्ट्स मिल जाती हैं। हाईली रिकमेंडेड है, आप इसे जरूर कंसीडर करो। देखो यार सिंपल चीज बताता हूँ आपको कि अगर आपको लैपटॉप्स के बारे में कुछ भी नहीं बताना कि 30,000-32,000 के आसपास मिलने वाले लैपटॉप्स के अंदर क्या चीजें होनी चाहिए, कौन सी चीजों को मैं चेक करूं, तो आप बिल्कुल बिंदास होकर इस लैपटॉप को बाय कर सकते हो। आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, प्रोसेसर लेटेस्ट है, रैम स्टोरेज दोनों चीजें आपको एक्सपेंडेबल मिल रही है, गो फॉर इट। एंड इसी सेम लैपटॉप का एक आपको अल्टरनेट ऑप्शन बताता हूँ, डेल का लैपटॉप है, डेल वॉस्ट्रो 3420, दोनों के अंदर किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं है, सिर्फ डेल के लैपटॉप के अंदर हमें एक्सपेंडेबल रैम मिल जाती है 32 GB तक एंड वो हमें 14 inches के डिस्प्ले साइज में मिल जाएगा। तो अगर आपको 14 inches के डिस्प्ले साइज में लैपटॉप चाहिए उसका भी ऑप्शन है, 15.6 inches वाला भी आपके सामने, आप इन दोनों में से किसी भी लैपटॉप को बाय कर सकते हो। सभी के बेस्ट बाय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको लैपटॉप के अंदर 16 GB की रैम मिल रही है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप 8 GB रैम के साथ लैपटॉप बाय कर रहे हो ना देन मेक श्योर कि उसकी रैम एक्सपेंडेबल होनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग आप वो वाला लैपटॉप बाय मत करो जिसके अंदर आपको 8 GB की रैम मिल रही है एंड उसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में जाकर रैम एक्सपेंड करने की ना मोस्ट ऑफ द यूजर्स को जरूरत पड़ी जाती है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।